हाय गाइस, आज हम भी टेक्सनो का 7.5 HP मोटर है, ओल्ड मॉडल वाला है ये। इसकी वाइंडिंग बताएंगे अपन कि किस तरह से वाइंडिंग होगी। ये देखिए दोस्तों, अपन ने काट कर खोल कर काट की कंप्लीट कर लिया है। इसकी वाइंडिंग काट दिया है, ये कनेक्शन साइड एक मार्क कर लिया है इस तरह से। ये कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं अपन दोस्तों। अपन ने इसको 1-1 गेज लिया है, इसको डेल्टा हम बनाएंगे। इसको 1-1 से डेल्टा किस तरह बनाते हैं देखिए दोस्तों। ये कॉइल बन रही है अपनी, 1-1 का गेज लिया है अपन ने। 36 इंच की लंबाई आई है कॉइल की, 36 टर्न डाले हैं 1-1 गेज के। पहले इस तरह कॉइल बना लेंगे अपन, सारी तीनों सेट कंप्लीट कर लेंगे। 4-4 कॉइल के 3 सेट बनेंगे इस तरह के। इनको बांध लेंगे अलग अलग कॉइल को। इस तरह सभी कॉइल को बांध लेंगे। उसके बाद इसको निकाल लेंगे। दूसरा सेट बनाएंगे इसी तरह। ठीक है दोस्तों, डाटा ध्यान रखें कि हमने 1-1 गेज लिया है, 1.1 mm का गेज है ये। वायर लिया है पुली वायर, उसके 36 टर्न डाले, 36 इंच लंबाई ली है, 7.5 HP ओपन ओल्ड मॉडल मोटर है दोस्तों। ये अपनी कॉइल बन गई है देखिए दोस्तों। इस तरह तीनों सेट बना लिए हैं ये देखें आप। तो बाइंडिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बाइंडिंग की पिच है इसकी 1 से 10 और 1 से 12। तब ये पहला पेपर डाल लिया अपन ने, अब यहाँ से 8 स्लॉट खाली छोड़कर 10वें नंबर 1 स्लॉट में डाल लेंगे। ये जो पेपर डाला है, पेपर को वहाँ से गिनेंगे अपन तो 10 आएंगे। ये देखिए गिन के देख लेते हैं अपन, ये 10 आ रहे हैं पूरे। अब इस तरह बाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें कनेक्शन लीड के लिए जो तार है उसको अपन ने लेफ्ट साइड रखा है। इस तरह से कॉइल को धक्का देंगे पेपर में रख के, बहुत ही इजी। ये कॉइल इंस्टॉल होगा, ये पेपर निकाल देंगे सेपरेटर पेपर को। कॉइल फंस चुका देखिए दोस्तों अपना, बहुत ही आसानी से। अब ये स्टिक फंसा देंगे। पहला कॉइल फंस चुका है अपना, इंस्टॉल हो चुका है। ये कॉइल को दबा कर सेव दे दिया। अगला कॉइल डालेंगे 1 से 12 पर। पेपर फंसा लिया अपन 1 से 12। अभी जो कॉइल डाला था उसके ऊपर वाले स्लॉट में, उससे लगा हुआ जस्ट उसमें इस तरह कॉइल डालेंगे। इस तरह धकाते जाएंगे हल्का हल्का। ये देखिए दोस्तों, कॉइल इंस्टॉल हो चुका है पूरा। पेपर को निकाल देंगे दोनों। इसके बाद ये स्टिक डाल देंगे। ये स्टिक डाल दिया दोनों साइड से। कॉइल को लॉक कर दिया अपने। अब कॉइल को दबा के सेट दे देंगे हल्का हल्का। अब अगला सेट डालेंगे। सेट में बना रहा है दोस्तों ये साइड वाइंडिंग, इसके जस्ट सामने आएगा इसी तरह से। ये कॉइल के साइड से एक स्लॉट छोड़ दिया जिसमें अपन 1 से 12 कॉइल डालेंगे। ये पेपर फंसा लिया अपन 1 से 10 पे। ये कॉइल डालेंगे 1 से 10 में। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी तरीके से ये कॉइल इंस्टॉल हो गया अपना। ये भी
ये 110 का कॉइल फंस चुका अपन, ये पेपर निकाल लेंगे दोनों साइड की इस तरह करके। ये देखिए दोस्तों सेपरेटर पेपर निकाल लिए अपन ने, इसमें स्टिक फंसा देंगे। ये दोनों साइड स्टिक फंसा, कॉइल लॉक कर दिया। अब कॉइल को दबा के थोड़ा सेप दे देंगे कॉइल को थोड़ा, एक से दस बार हम फंसाएंगे अब पेपर। एक से बारह हम कॉइल डालेंगे, देखिए दोस्तों आगे इस थोड़ा सा पतला करेंगे कॉइल को, सीधा करेंगे इस तरह। ये कॉइल आगे से पतला कर लिया इस तरह, इस तरह दोनों हाथ से पकड़कर उंगलियों की मदद से धक्का देंगे कॉइल को स्लॉट में, पूरा तार को डालकर धक्काते जाएंगे हल्का हल्का। ये कॉइल इंस्टॉल हो गया अपना इस तरह से, बहुत ही इजी। सेपरेटर पेपर को निकाल देंगे, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों ये स्टिक डाल देंगे दोनों साइड से। दोस्तों ये टेक्सो कंपनी का टेक्समो कंपनी का ओल्ड मॉडल मोटर है, ये काफ़ी पुराना मोटर है। इसको अपन 1/4 से वाइंडिंग कर सकते हैं स्टार कनेक्शन में, ये हम 1/1 से डेल्टा कनेक्शन बता रहे हैं दोस्तों। इस तरह से कॉइल डालेंगे अपन, दूसरा साइड डाल रहे हैं देखिए दोस्तों। एक साइड कॉइल के साइड वाला स्लॉट लिया है, फिर वहां से 10वें नंबर के सेट स्लॉट में डाला है। कॉइल से 4 स्लॉट छोड़ दिए खाली, ये सेपरेटर पेपर को निकाल देंगे। ये स्टिक डाल दिया अपने, तो 112 पे डालेंगे। कॉइल को ध्यान से देखें दोस्तों, कहाँ पे डाल रहा है, कौन स्लॉट पे डाल रहा है, इस तरह आपको डालना है कॉइल को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तरह कॉइल को दबाएंगे, कॉइल अपना इंस्टॉल होगा। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी तरीके से। तरह पेपर निकाल लेंगे, उसके बाद स्टिक डाल देंगे दोनों साइड। दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा इस तरह वाइंडिंग हो रहा है।
तक कॉइल को दबा के सेफ में दे देंगे हल्का हल्का, ताकि अगली कॉइल में दिक्कत ना आए डालने में। दो फेस, दूसरे फेस की बाइंडिंग हो रही है दोस्तों। ये दोस्तों सेम इसी तरह सभी सेट को डालते जाएंगे, अपना बाइंडिंग अपना कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए अपन ये पार्ट में इतना ही वीडियो बताएंगे। इसके अगले वाले पार्ट में बाकी वाइंडिंग बताएंगे, कनेक्शन करना बताएंगे। तो दोस्तों, अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये दो फेस बाइंडिंग कंप्लीट हो रही है, देखिए दोस्तों अपनी। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगला वीडियो देखने के लिए।